लोकसभा में सोमवार को एनएमसी बिल यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास होने के विरोध में डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था आईएमए की तरफ से देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है और इस हड़ताल के माध्यम से एक बार फिर से सरकार को चेताने की कोशिश है। आपको बता दें कि 24 घंटे देशव्यापी हड़ताल बुलाकर सरकार को कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो बिल लोकसभा में पास किया गया है, राज्यसभा में इस बिल को ले जाने से पहले एक बार फिर से इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि इस देशव्यापी हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं अस्पतालों में जारी रहेंगी और यही हड़ताल का असर देखने के लिए हम आज पहुंचे हैं दिल्ली के दो बड़े अस्पताल, जहां पर एक तरफ सफदरजंग अस्पताल है जो दिल्ली के सबसे बड़े जो नाम है अस्पतालों में उनमें से एक माना जाता है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी कि एम्स के नाम से जिसको आप जानते हैं वहाँ हम पहुँचे हैं। तो वहाँ जानने की कोशिश हम इन दोनों अस्पतालों में करेंगे कि आखिर इस हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर, कुछ मरीज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि जिस तरह से आईएमए की तरफ से देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है और डॉक्टर्स कहीं ना कहीं हड़ताल में शामिल हैं, लेकिन यहाँ देखने की वाली बात रहेगी कि दिल्ली के अस्पतालों में किस कदर इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। मरीजों से ही जान लेते हैं, आप यहाँ पर इलाज कराने आए हैं? हाँ, किसका इलाज? बेटा का इलाज कराने आया है। जैसे कि आज हड़ताल बुलाई गई आईएमए की तरफ से, क्या आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है? नहीं, यहाँ हड़ताल का कोई असर देखने के लिए नहीं मिला और प्रॉपर हर दिन के तरह इलाज हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एम्स के सूरत हाल तो हमने आपको दिखाया कि हड़ताल का वहाँ पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं सफदरजंग अस्पताल के बाहर और कुछ मरीज यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि जो आईएमए की तरफ से हड़ताल बुलाई गई है उस हड़ताल के चलते इनको आज के इलाज के दौरान परेशानी उठानी पड़ी। क्या आज डॉक्टरों की हड़ताल है तो क्या आज आपको अस्पताल के अंदर कोई इस तरह की परेशानी इलाज के दौरान? नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमें डॉक्टर देखे हैं। हाँ, कल भी मैं आई थी, डॉक्टर बोले कल आ जाना, आज अल्ट्रासाउंड था, मेरा हो गया। कोई परेशानी आपको नहीं? आंटी आपको? मैं भी आज दिखाने आई थी, जो मेरा चेकअप था वो लोग कल हो जाएगा, कल आप आ जाना टाइम। आज यही कहा गया था कि आज हड़ताल है और बस आपातकाल सेवाएं दी जाएंगी, क्या आज आपको हड़ताल के दौरान कोई परेशानी अस्पताल के अंदर? हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हम अपनी बहन का ऑपरेशन कराने आए थे, ऑपरेशन भी हो चुकी है और दवाई लेकर के मैं घर जा रहा हूँ। नहीं अभी नहीं, कोई हड़ताल नहीं है, नहीं कोई परेशानी नहीं है, पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है, पूरा चेकअप हो रहा है, नो प्रॉब्लम। क्या कहेंगे हड़ताल के बारे में, आज हड़ताल है, कोई परेशानी है अस्पताल के अंदर? कोई जी नहीं, कोई परेशानी नहीं, नहीं प्रॉपर आपको इलाज मिला? हाँ, मैंने मम्मी का कराना है। सफदरजंग अस्पताल में कोई भी परेशानी हड़ताल के चलते मरीजों को नहीं उठानी पड़ी है। हालांकि आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल 24 घंटे की जरूर बुलाई है, लेकिन दिल्ली के अस्पताल, दो बड़े अस्पतालों का हमने आपको सूरत हाल दिखाया कि किस तरह से हड़ताल का असर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मरीज कह रहे हैं कि प्रॉपर जो है उनको इलाज से रोज़मर्रा के दिनों में उनको दिया जाता है, वही उनको आज इलाज मिल रहा है। तो हालांकि आईएमए इस हड़ताल के जरिए बेशक सरकार को चेताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में इस हड़ताल का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन मोहम्मद रागिब के साथ आशिमा त्यागी, R9 TV, दिल्ली।